के बाबा की मुरली का सार है पाप और पुण्य। पाप किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनसे नुकसान होता है, कैसे पता चलता है, सारा बाबा ने आज स्पष्ट किया है। पाप और पुण्य तो अंदर मन में जो है, वैसे कहा जाता है कि चेहरा मन का दर्पण है, लेकिन चेहरे में भी मन को कौन प्रकट करती है, आंखें। बाबा कहते ये दृष्टि, पांचों ही विकार दृष्टि से पता चलते हैं। इसमें काम की दृष्टि है, क्रोध की है, लोभ की है, मोह की है, अहंकार की है। पहले दृष्टि में वो विकार आएगा, फिर वाणी में आएगा, फिर कर्म में आएगा। दृष्टि से पहले भी मन में आएगा, तो मन से ही ये प्रकट होगा। तो आज बाबा ने विशेष इस पर बहुत ध्यान खिंचवाया है। जिसकी दृष्टि अगर अशुद्ध होती है तो उसको क्या बद्दुआ मिल जाती है ना, वहां कई ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। उसको बद्दुआ मिल जाती है बुरी नजर जो रखता है। तो बुरी नजर वाले को तुरंत बद्दुआ मिल जाती है। और ये नजरों के लिए ही कहा गया है कि नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। गुरु की नजर पड़ती है, दृष्टि पड़ती है, तो भगत समझते मैं तो निहाल हो गया। तो किसकी नजर पड़ने से निहाल हो जाते हैं और किसकी नजर पड़ी तो उसको बद्दुआ मिल जाती है ना। नजर लगती भी तो है ना, लगती है कि नहीं लगती है, लगती है लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चों पर कोई भी बुरी नजर अगर लगाए भी तो भी आप न्यारे हो सकते हो, आपके ऊपर उनका कोई असर नहीं आएगा। बद्दुआ भी नहीं देनी है लेकिन आकर्षित भी नहीं होना है। तो आज बाबा ने विशेष पाप और पुण्य और कैसे दृष्टि के द्वारा ये दोष पता चलता है वो बाबा ने स्पष्ट किया है। तो दृष्टि को बाबा कितना पवित्र बनाते हैं, आत्मिक दृष्टि हो गई तो सब कुछ खत्म। आज 7 जनवरी 2015 है। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है। सच का खाता जमा है, झूठ का भी खाता है, सच का भी खाता है। तो सच का खाता जमा होगा तो पुण्यात्मा बनेंगे, झूठ का खाता जमा होगा तो पापात्मा बनेंगे। प्रश्न है सबसे बड़ा पाप कौन सा है, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उत्तर है किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना, ये सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि यानी विकारी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करनी है हम कहां तक योग में रहते हैं,
योग में होंगे तो दृष्टि बुरी नहीं जाएगी। जांच करनी है हम कहाँ तक योग में रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं। उच्च पद पाना है तो खबरदारी रखो कि जरा भी कुदृष्टि न हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो तो क्या होगा, पुण्य का खाता जमा होगा, पुण्यात्मा बन जाएंगे। बाप जो श्रीमत देते उस पर पूरा चलते रहो। गीत है तो पाप पुण्य से संबंधित कौन सा गीत होगा, हा? मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप है तेरे जीवन में, ऐसे कुछ है। ओम शांति। बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते हैं, हे बच्चे अपने भीतर जरा जांच करो। ये तो मनुष्यों को मालूम रहता है कि हमने सारे जीवन में कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। हर एक समझ सकता है कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। रोजाना अपना पोता मेल देखो, कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। छोटे छोटे पाप भी बहुत होते हैं। तो बाबा ने कहा है, किसको रज तो नहीं किया, नाराज किसको किया, ये भी पाप बन जाता है। किसको नाराज किया तो भी पाप बनता है, ऐसे सोचो तो कितने पाप बनते होंगे। किसको रज किया, नाराज किया, नाराज तो नहीं किया। हर एक मनुष्य समझ सकते हैं हमने लाइफ में क्या क्या किया है, सारे जीवन में क्या क्या किया है सब याद है। कितना पाप किया है, कितना दान पुण्य आदि किया है। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो दान पुण्य करते हैं ना, और कोशिश करते हैं कि पाप नहीं करें, ये भी उनके ध्यान पर रहता है। दान पुण्य भी करते जाएंगे और ये लक्ष्य रहता है कोई भी पाप न करे, यात्रा पर हैं हम। तो बाप बच्चों से ही पूछते हैं कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। अभी तो बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है तो कोई भी पाप नहीं करना है। पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई पर बुरी दृष्टि जाती है तो ये भी पाप है। बुरी दृष्टि माना देह पर दृष्टि गई, इसलिए बाबा कहते हैं सदा हर एक के मस्तक पर ही देखो, आ तो आत्मा ही दिखाई देगी और कुछ नहीं, और आगे नहीं देखो कुछ भी। कोई पर बुरी दृष्टि जाती है तो ये भी पाप है। बुरी दृष्टि होती ही है विकार की, वो है सबसे खराब। कभी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अक्सर करके स्त्री पुरुष की तो विकार की ही दृष्टि होती है। कुमार कुमारी भी कहां न कहां विकार की दृष्टि, कुमार कुमारी की भी कहां न कहां विकार की दृष्टि उठती है। अब बाप कहते हैं यह विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाबा ने बड़ा टाइटल दिया है अगर विकार की दृष्टि होगी तो बाबा कहते नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़ेगा, बंदर। नारद का मिसाल है ना, बोला हम लक्ष्मी को वर सकते हैं,
बड़ा नशा था, मैं लक्ष्मी को वरूंगा, मुझे तो बहुत सुंदर चेहरा मिला है। तुम तो कहते हो ना हम तो लक्ष्मी को वरेंगे। अब नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनेंगे ये कहते हैं। तो बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो कितने तक हम पुण्य आत्मा बने हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं, कहां तक योग में रहते हैं। तुम बच्चे तो बाप को पहचानते हो तब तो यहां बैठे हो ना। बाबा तो ये सबके लिए कहते हैं लेकिन बाबा के बच्चे ही इसको सुनते हैं जो बाबा के सामने हैं। तो बच्चे तो बाप को पहचानते हो तब तो यहां बैठे हो ना। दुनिया के मनुष्य थोड़ी बाबा को पहचानेंगे कि यह बाप दादा है। आगे बाबा ने काफी सुना है कि बाबा जाते थे, मुंबई जाते थे, दिल्ली जाते थे, खास करके सर्दियों में तो बाबा मुंबई जाते थे क्योंकि आबू जैसी ठंडी तो सर्दियों में भी आप मुंबई में नहीं होती, दिल्ली में तो होती है, तो बाबा मुंबई जाते थे। अब बाबा तो ट्रेन में सफर करते थे, प्लेन में तो कभी नहीं गए, तो ट्रेन पर उतरते थे तो बहुत फूल मालाएं लेकर आते थे, बच्चे बहुत आते थे। तो बाबा कितने बच्चे इतना खर्चा मत करो, जरूरत नहीं है इतने फूल मालाएं गुलदस्ते ये सब लाने की जरूरत नहीं। अब शिव बाबा इस तन में है ये किसको पता, परंतु फिर भी बाबा की पर्सनालिटी तो थी ना। तो बाबा को देखते थे बाहर के लोग तो कई लोग पूछते थे ये कौन है आपके, ये कौन है। तो आज बाबा ने उसका भी उत्तर दिया है, कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहो, क्या कहेंगे, कौन है, फादर है, बाप दादा है। सुनो बाबा ने आज इस पर सारा बताया है। तो बाबा कहते हैं दुनिया के मनुष्य थोड़ी बाबा को पहचानेंगे कि यह बाप दादा है। तुम ब्राह्मण बच्चे तो जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। मनुष्यों के पास होता है विनाशी धन, वही दान करते हैं। अब वो तो है बाबा कहते पत्थर, विनाशी धन कुछ भी दान करते हैं भले करोड़ों हो तो भी बाबा कहते पत्थर। ये है ज्ञान के रत्न, ज्ञान सागर बाप के पास ही ये रत्न है। ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। रत्नाकर बाप से ज्ञान रत्न धारण कर और फिर इन रत्नों का दान करना है। जितना जो लेवे और देवे उतना ऊंच पद पाए। लेंगे तब तो देंगे ना, तो जितना लेवे जितना देवे उस अनुसार पद पाएंगे। तो बाप समझाते हैं अपने अंदर देखो हमने कितने पाप किए हैं। अभी कोई पाप तो नहीं होता है, चलो अज्ञान काल में किए चलो हो गया, अभी बाबा का बच्चा बनने के बाद तो कोई पाप नहीं होता है। जरा भी कुदृष्टि न हो, बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहे, ये खबरदारी चाहिए। माया के तूफान तो भल आए आएंगे परंतु कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। अब ये तो साकार मूल्यां हैं, अव्यक्त मूल्यों में तो बाबा इतनी ऊंची कर्मातीत अवस्था की बातें करते हैं, संकल्प में भी नहीं स्वप्न तक भी नहीं हो। साकार में तो बाबा ने फिर भी छूट दी थी क्योंकि टाइम था। बाबा कहते माया के तूफान तो भल आए ले परंतु कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। कोई तरफ कुदृष्टि जाए तो क्या करना चाहिए, समझो किसी तरफ जाती है कुदृष्टि तो क्या करना चाहिए,
किसके तरफ आकर्षण होता है, किसी की देह की तरफ, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बोलो? क्या करना चाहिए जी? हाँ, बाबा कहते हैं तो उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए, तुरंत चले जाओ। उसको नहीं कहो तुम चले जाओ, खुद चले जाओ, खुद ही वहां से चले जाओ। तो उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम चले जाना चाहिए। यही सबसे अच्छी युक्ति है। कुछ भी और कर्म क्या, वचन क्या, सोच भी क्या, तीनों से परे खुद ये वहां से हट जाओ। मालूम पड़ जाता है इनकी कुदृष्टि है, दूसरे को भी पता चल जाता है, मालूम पड़ जाता है इनकी कुदृष्टि है। अगर उच्च पद पाना है तो बहुत खबरदार रहना है। कुदृष्टि होगी तो फिर हो बाबा उसका बताते हैं क्या सजा होगी। कुदृष्टि होगी तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। काम ज्ञान में भी लूले लंगड़े होते ना, होते ना, कोई सेवा नहीं करेंगे तो लूले हो गए ना, कहीं जाना जाना मुश्किल तो लंगड़े हो गए। ज्ञान में भी वैसे भी हो सकता है। तो कुदृष्टि होगी तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। बाप को बच्चे ही पहचान सकते हैं। समझो बाबा कहाँ जाता है, बच्चे ही समझेंगे कि बाप दादा आया है, स्टेशन पर ट्रेन से उतरा है। और मनुष्य देखते तो बहुत हैं, परंतु उनको थोड़ी पता है। कोई पूछे भी ये कौन है तो बोलो बाप दादा है। फिर वो पूछे इसका मतलब क्या, बाप दादा क्या होता है? तो ये ब्रह्मा कुमारियों का कोड वर्ड है बाप दादा। जो इस अर्थ को, इसके अर्थ को समझता माना वो ज्ञान को समझता है। बोलो बाप दादा है। फिर क्या करो, आगे कैसे उनको बताओ? बैज तो सबके पास होना चाहिए। फिर बैज दिखाओ, उसमें त्रिमूर्ति है, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, ये बाप दादा। हाँ, बैज तो सबके पास होना ही चाहिए। बोलो शिव बाबा हमको इस दादा द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर सभी रूहों का बाप बैठ ये नॉलेज देते हैं। शिव भगवान वाच, गीता में कृष्ण भगवान वाच रॉन्ग है। ज्ञान सागर पतित पावन शिव को ही कहा जाता है। ज्ञान से ही सदगति होती है। तो ये है अविनाशी ज्ञान रत्न। सदगति दाता एक ही बाप है। अब ये सब अक्षर पूरी रीति से याद रखने चाहिए। अभी बच्चे समझते हैं कि हम बाप को जानते हैं और बाप भी समझते हैं। क्या हम बच्चे समझते हैं कि हम बाप को जानते हैं और बाप भी समझते हैं हम बच्चों को जानते हैं? बाबा भी तो हम बच्चों को जानते हैं। बाप तो कहेगा ना, ये सब हमारे बच्चे हैं। वास्तव में सारी दुनिया के लिए बाबा कहेगा ये सब हमारे बच्चे हैं, परंतु जान नहीं सकते, हमको पता नहीं है। बाबा तो सब जान लेगा पर वो नहीं बाबा को जानेंगे, परंतु जान नहीं सकते। तकदीर में होगा तो आगे चलकर जानेंगे, आएंगे बाबा के पास। समझो ये बाबा कहाँ जाता है। कोई पूछते हैं कि ये कौन है, पहले भी कहा अभी दूसरी बात, जरूर शुद्ध भाव से पूछेंगे, कोई बुरे भाव से थोड़ी पूछेंगे, अच्छी भावना से पूछेंगे ये आपका कौन है। तो अक्षर ही ये बोलो कि बाप दादा है, पहला ये बोलो। क्योंकि वो समझेंगे इनका गुरु है,
तो आप पहले ही बोलो कि ये बाप दादा है। बेहद का बाप है निराकार, वो जब तक साकार में ना आए तब तक बाप से वर्षा कैसे मिले। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा और ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, उनसे ही वर्षा मिलता है। ये ब्रह्मा भी पढ़ता है, फिर ये बताइए ब्रह्मा भी पढ़ता है, ये ब्राह्मण से फिर देवता बनने वाला है, ये भी एडिशन कर सकते हो, ये ब्राह्मण से फिर देवता बनने वाला है। कितना सहज है समझाना, कोई को भी बैज पर समझाना अच्छा है। बोलो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पावन बन और पावन दुनिया में चले जाएंगे। ये पति पावन बाप है ना, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बनने का। जब विनाश का समय होगा तब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। हम पढ़ रहे हैं तो कोई पूछे कब तक पढ़ेंगे, वहां तो भाई आयु की आयु होती है, लिमिट होती है, इतने साल तक पढ़ेंगे फिर थोड़ी पढ़ते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कब तक पढ़ेंगे तो क्या जवाब देंगे, जब विनाश का समय होगा तो फिर हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तब तक पढ़ना है। कितना सहज है समझाना, कोई भी कहां आते जाते हैं तो भी बैज साथ में होना चाहिए। इस बैज के साथ फिर एक छोटा पर्चा भी होना चाहिए, खाली बैज नहीं, बैज पर समझाना है ठीक है, फिर उसके बाद एक पर्चा भी होना चाहिए जो उनको दे सको। बैज तो नहीं देंगे, कोई तो बैज भी दे देते हैं परंतु बाबा कहते हैं ऐसे बैज का फिर मिसयूज भी हो सकता है, इसलिए पर्चा देना चाहिए। एक पर्चा, एक छोटा पर्चा भी होना चाहिए, उसमें लिखा हो कि भारत में बाप आकर के फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं और सभी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई द्वारा कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार खलास हो जाएंगे और बाकी सब धर्म, केवल एक आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। ऐसे पर्चे 2-4 लाख छपे हो जो कोई को भी पर्चा दे सकते हैं। ऊपर में त्रिमूर्ति हो, दूसरे तरफ फिर सेंटर्स की एड्रेस हो, बाबा सब मुरली में सुना देते हैं। बच्चों को सारा दिन सर्विस का ख्याल चलना चाहिए। अब बाबा ने गीत सुना, कौन सा गीत था, मुखड़ा देख ले प्राणी, तो रोज अपना पोता मेल बैठ निकालना चाहिए कि आज सारे दिन में हमारी अवस्था कैसी रही। बाबा ने ऐसे बहुत मनुष्य देखे हैं जो रोज रात को सारे दिन का पोता मेल बैठ लिखते हैं। महात्मा गांधी की ये बहुत बड़ी विशेषता थी, रोज रोज का उनका जो चला वो सब उनकी डायरीज है। रोज रात को सारे दिन का पोता मेल बैठ लिखते हैं, जांच करते हैं कोई खराब काम तो नहीं किया, सारा लिखते हैं, समझते हैं अच्छी जीवन कहानी लिखी हुई होगी तो पिछाड़ी वाले भी पढ़कर ऐसा सीखेंगे। ऐसा लिखने वाले अच्छे आदमी होते हैं, अब बुरा व्यक्ति थोड़ी लिखेगा अपना पोता मेल, कोई किसी के हाथ आ जाए तो मुसीबत, अच्छे लोग जो होते हैं वही लिखते हैं ताकि दूसरे पढ़े और उसे सीखे। ऐसे लिखने वाले अच्छे आदमी ही होते हैं, विकारी तो सब होते ही हैं, ऐसे तो नहीं कि जो लिखते हैं माना वो सब कोई पावन पवित्र आत्माएं हैं, है तो संसारी लोग ही, विकारी तो सब होते ही हैं। यहाँ तो वो बात नहीं है, या विकार की बात नहीं है, तुम अपना पोता मेल रोज देखो फिर बाबा के पास भेज देना चाहिए तो उन्नति अच्छी होगी और डर भी रहेगा कि बाबा को लिखना है इसीलिए कैसे हमारा चार्ट हो। सब
क्लियर लिखना चाहिए, आज हमारी बुरी दृष्टि गई, ये भी लिखना है। ये हुआ, जो एक दो को दुख देते हैं बाबा, आज बाबा ने एक नया शब्द दिया है, उन्हें गाजी कहते हैं, गाजी। कल मैं मुरली पढ़ रही थी तो मैंने सोचा गाजी क्या शब्द है, तो इंटरनेट में देखा गाजी, तो क्या है भाई इंद्रावन, बहुत सारी बातें हैं। गाजी, गाजी किसको कहते हैं, ये अरबिक वर्ड है, पर्शियन अरबिक, मतलब अरब लोगों के ये लोग शब्द ये यूज करते हैं, माना जो पहले ये अरब या उनके जो राजाएं महाराजाएं जैसे होंगे वो बहुत क्रूर थे, तो वो क्रूर जो थे ना तो बहुत हत्याएं भी कराते थे, बहुत कुछ करते थे, जैसे आतंकी थे, तो उनको गाजी कहते थे। तो देखो बाबा ने गाजी शब्द कैसे यूज किया है, जो एक दो को दुख देते हैं बाबा उन्हें गाजी कहते हैं, गाजी। जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर हैं, अभी तुमको याद के बल से पापों का बोझ उतारना है, इसलिए रोज देखना चाहिए हम सारे दिन में कितना गाजी बने हैं, किसको दुख देना गोया गाजी बनना है। पाप बन जाता है, बाप कहते हैं गाजी बन, किसको दुख मत दो, अपनी पूरी जांच करो हमने कितना पाप कितना पुण्य किया है। कई भाई बहने फोन करते हैं हमको, आज बाबा ने ये शब्द मुरली में कहा, इसका मतलब क्या है, देखना अभी सारा दिन आएंगे, फोन आते रहते हैं हमारे पास, ईमेल में भी, विदेशी ईमेल में लिखते हैं, पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है, तो ये सेवा बहुत हम करते रहते हैं, तो इसलिए इंटरनेट में खास उसकी उसको हम देखते हैं इसका क्या अर्थ है। अपनी पूरी जांच करो हमने कितना पाप कितना पुण्य किया है, जो भी मिले सबको ये रास्ता बताना ही है, सबको बहुत प्यार से बोलो, बाप को याद करना है और पवित्र बनना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है, भल तुम संगम पर हो परंतु ये तो रावण राज्य है ना, इस मायावी विषय वैतरणी नदी में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। बाबा ने कमल फूल पर भी बहुत सुंदर सुनाया है, बाबा देखो क्या कहते हैं, कमल फूल समान पवित्र बनना है, कमल फूल बहुत बाल बच्चों वाला होता है, तो ये भी इंटरनेट में कल देखा, कमल फूल से क्या क्या, मतलब उस पेड़ से क्या क्या मिलता है, इतनी लंबी चौड़ी बातें हैं इंटरनेट में कमल फूल की, कमल ककड़ी, कमल क्या कट्टा, क्या कमल गट्टा, वो जो फल है, और कमल के जो पत्ते हैं वो उसके भी काम आते हैं, हर्बल प्लांट है ये, इतनी दवाइयां इनसे बन सकती है, किसी को कोई जहर लगे वो जहर भी ये खत्म करता है, ये कमल की ये विशेषताएं हैं, बहुत कुछ इसकी विशेषताएं बताई है कमल की। तो बाबा कहते हैं कमल फूल बहुत बाल बच्चों वाला होता है, फिर भी पानी से ऊपर रहता है, बहुत बाल बच्चे यानी इतना बड़ा परिवार है उसका, परंतु वो फूल सदा ऊपर रहता है, खास करके बुद्धिस्ट लोग बहुत इसको मानते हैं, ये बोधियों के जो आप पगोड़ा देखेंगे वहां पर कमल ही कमल, उनके मन जो उनके जो मंदिर होते हैं उनके चारों तरफ सरोवर होते हैं, वो सरोवर में कमल ही उगते हैं, खास एशिया में बहुत ऐसे सरोवर है, चारों कई देशों में जो बुद्धिस्ट देश है वहां पर इतने बड़े बड़े सरोवर, इतने बड़े बड़े कमल के फूल, वैरायटी बहुत सुंदर सुंदर, भारत में भी है कमल के, लेकिन वहां हमने बहुत देखे। तो बाबा कहते हैं
कमल फूल बहुत बाल बच्चों वाला होता है, फिर भी पानी से ऊपर रहता है, ग्रस्ती है। कमल फूल पूरा ग्रस्ती है, बहुत चीजें पैदा करता है। यह दृष्टांत तुम्हारे लिए भी है, विकारों से न्यारा होकर रहो। ये एक जन्म पवित्र रहो तो फिर ये अविनाशी हो जाएगा। तुमको बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, बाकी तो सब हैं पत्थर। वो लोग तो भक्ति की ही बातें सुनाते हैं, ज्ञान सागर पति पावन तो एक ही है। तो ऐसे बाप से बच्चों का कितना लव रहना चाहिए। बाप का बच्चों से, बच्चों का बाप से लव रहता है, बाकी और कोई से कनेक्शन नहीं। सौतेले वो हैं, सगे होंगे तो बहुत लव है, सौतेले वो हैं जो बाप की मत पर पूरा नहीं चलते हैं, राम की मत पर चलते हैं। तो राम की मत थोड़ी ठहरी उनके पास, रावण की मत पर चलते तो सौतेले हो गए। आधा कल्प है रावण संप्रदाय, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अब तुम्हें और सबको छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। बीके ब्रह्मा कुमार कुमारियों की मत मिलती है, सो भी जांच करनी होती है कि ये मत राइट है व रॉन्ग है। तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग समझ भी अभी मिली है। सब राइटियस आए, जब राइटियस आए तब ही राइट और रॉन्ग बताए। बाबा है सबसे राइटियस, वो जब आए तब राइट और रॉन्ग बताए। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प ये भक्ति मार्ग के शास्त्र सुने हैं, अब मैं तुमको जो सुनाता हूँ वो राइट है या वो राइट है या ये राइट है। हाँ, जो मैं सुनाता हूँ ये राइट है या वो राइट है। वो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, और मैं कहता हूँ मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। अब जज करो कौन राइट है। ये भी बच्चों को ही समझाया जाता है ना, जब ब्राह्मण बने तब समझें। रावण संप्रदाय तो बहुत है, तुम तो बहुत थोड़े हो, उसमें भी नंबरवार है, थोड़े हो तो भी नंबरवार है। अगर कोई कुदृष्टि है तो भी उनको रावण संप्रदाय कहा जाएगा। राम संप्रदाय का तब समझा जाए जब सारी दृष्टि बदलकर देवी बन जाए। अपनी अवस्था से हर एक समझ तो सकते है ना, पहले तो ज्ञान था नहीं, अभी बाप ने रास्ता बताया है। तो देखना है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता हूँ। भक्त लोग दान करते हैं विनाशी धन का, अभी तुमको दान करना है अविनाशी धन का, न कि विनाशी। अगर विनाशी धन है तो क्या करो, तो अलौकिक सेवा में लगाते जाओ। पतित को दान करने से पतित ही बन जाते हो। अभी तुम अपना धन दान करते हो तो इसका एवजा फिर 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा। बाबा के कार्य में लगाओ तो 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा। ये सब बातें समझने की है। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बतलाते रहते हैं, सब पर रहम करो। गाया भी हुआ है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। परमात्मा को ही सर्वव्यापी कह दिया है, तो बच्चों को सर्विस का शौक बहुत अच्छा रखना है। औरों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज करते जाते हैं। ये त्रिमूर्ति का चित्र तो बहुत अच्छी चीज है, इसमें शिव बाबा भी है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से भारत में 100% पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं शिव बाबा इनके द्वारा। बाकी तो अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई में कल्प पहले माफिक विनाश हो जाएंगे।
ऐसे ऐसे पर्चे छपवा कर बांटने चाहिए। बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं, प्रदर्शनी में भी पर्चे दो। पर्चे द्वारा समझाना सहज है, पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे कल्प पहले माफिक, कल्प पहले भी विनाश हुए थे। कहां भी जाओ पॉकेट में भी पर्चे और बैजेस सदैव सदैव पड़े रहे। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, बोलो सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है तो बोलो ये है बाप और ये है दादा। उस बाप को याद करने से ये सतयुगी देवता पद पाएंगे, रे विष्णु वो बाप, ये दादा, ये पद है, ये लक्ष्य, सतयुगी देवता पद पाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना, विष्णु पूरी नई दुनिया में फिर इनो का राज्य होगा, लक्ष्मी नारायण नीचे। कितना सहज है, तीर्थों आदि पर मनुष्य जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं, आर्य समाजी आदि भी ट्रेन भरकर जाते हैं। इसको कहा जाता है धर्म के धक्के, धर्म के नाम पर धक्के खाते हैं। फिर बाबा कहते हैं वास्तव में धर्म के धक्के नहीं है, क्या है, अधर्म के धक्के हैं। धर्म तो अच्छी चीज है ना, धक्के क्यों खाएंगे, पर अधर्म का कार्य ही हो रहा है तो इसलिए अधर्म के धक्के हैं। धर्म में तो धक्के खाने की दरकार ही नहीं है, तुम तो पढ़ाई पढ़ रहे हो इसलिए धक्के नहीं खाते हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, बच्चों ने गीत भी सुना, फिर से याद आया मुखड़ा देख ले प्राणी। अब ये मुखड़ा तुम्हारे सिवाय तो कोई देख नहीं सकते, तुम ही अपना मुखड़ा देखते हो, भगवान को भी तुम दिखला सकते हो अपना मुखड़ा, कितने पाप और कितने पुण्य हैं ये बता सकते हो बाबा को। अब ये है ज्ञान की बातें, तो मनुष्य से देवता, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती है। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने ये किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे तो सब कुछ जानते हो, जानते हैं ना सब कुछ, किसको बुद्धि में तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए, ये समझ जाए उसका बेड़ा पार हो जाए। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अगर विनाशी धन है, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है, दोनों धन सफल करने हैं। दूसरा अपने पोता मेल में देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं, एक दो को दुख तो नहीं देते हैं, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती है। वरदान रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा
व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्म्स कीटाणु वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाए। ये तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। यदि दिल किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होगी तो जहां बातें हैं वहां बाप नहीं है, पाप है। बातें हैं वहां बाप नहीं है, वहां पाप है। या तो बाप है या तो पाप है। पाप माना बातें कही। स्लोगन, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। मूड ऑफ तब होती जब स्मृति का स्विच ऑफ है। स्मृति ऊंची नहीं है। आज अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क है, रोज करते हैं। जो आता है होमवर्क वो रोज करते हैं। बाबा फिर पूछेंगे जरूर। बाबा आएंगे 18 जनवरी को। 7 तारीख, आज 7 तारीख है तो 7वां है। हर समय नवीनता का अनुभव करते औरों को भी नए उमंग उत्साह में लाना। नवीनता का अनुभव करते नए उमंग उत्साह में लाना, खुशी में नाचना और बाप के गुणों के गीत गाना। मधुरता की मिठाई से स्वयं का मुख मीठा करते दूसरों को भी मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा मुख मीठा कराना। ओम शांति।